अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं लर्न विद आसिफ चैनल। आज हमारी एस्ट्रा बिगनर कोर्स की वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एस्ट्रा पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ब्लॉगर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके साथ साथ हमने बेसिक चीज़ें जो थी कुछ उन पर डिस्कस किया। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो ये थंबनेल शो हो रहा है, इसको देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। इसके साथ साथ अगर आपने इस कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए शुरू किया है मैंने, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको कोर्स के साथ साथ फ्री सपोर्ट दी जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, मैं मेरा एडसिला पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसकी 3 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एडसिला कंप्लीट कोर्स, एडसिला कोर्स फॉर प्रो और एडसिला एडवांस कोर्स 2024। अगर आप एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं तो उन प्लेलिस्ट को विजिट करें और जहाँ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं, मैं ये कोर्स 2 वीक्स का है। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिखाना है, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स रह जाएंगी जो कि बेशुमार मैंने सिखाई भी हुई हैं, और आप लोगों को इंशाल्लाह मजीद भी गाइडलाइन देता रहूंगा मैं। जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि ब्लॉग को एडसीरा के अंदर कैसे ऐड करवाना है और एडसीरा के अंदर किस तरह से उसमें एड्स लगानी है। मैंने याद रखिएगा, पहले आपको बताया था कि एक सिंपल ब्लॉगर क्रिएट करके उसमें 9 ऐड लगानी है, उसके बाद आपने उस ब्लॉगर को उस अपनी वेबसाइट को एडसीरा के अंदर ऐड करवाना होता है। उसमें ऐड करवाने के बाद आपने वहां पर भी ऐड जनरेट करना होती है, उसके बाद जब ब्लॉग पोस्ट लिखना होती है तो वहां पर भी आपने ऐड लगाना होती है। जब आप ये 3 जगह ऐड लगाएंगे तो फिर जाकर आपको प्रॉपर तरीके से अर्निंग होगी। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप 1 या 2 जगह पर ऐड लगा लेते हैं, आप 3 जगह पर ऐड नहीं लगाते। बहुत से लोगों के लिए जो काफी अरसा से ऐड पर काम कर रहे होंगे ये बात बिल्कुल नई होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पेमेंट मेथड के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं जी। मैं आपके सामने आज पेमेंट मेथड चूज करके दिखाऊंगा। जारी बात है, जब आप काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पेमेंट कैसे मिलनी है। पेमेंट के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिसमें आप लोग $5 से लेकर मैक्सिमम डॉलर तक विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम की लिमिट जो है वो $5 है। पेमेंट इंफॉर्मेशन की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी पेमेंट डिटेल खुल जाएगी। सबसे पहले हमने अपना कंट्री चूज करना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो आप अपना कंट्री अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। करेंसी हमने यहाँ पर US डॉलर ही रखने हैं, आप चाहें तो PKR भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपना अर्निंग का जो सिस्टम है, जो आपका मेथड है, वो सेट करना है। ये देखें, ये वेब मनी है, ये $5 पर क्लिक हो रहा है, ये बिटकॉइन $100 पर हो रहा है, उसके बाद ये थिएटर ERC 20 थीरियम है, ये $100 पर हो रहा है, और थिएटर ERC 20 ट्रॉन ये 100 पर हो रहा है। मैं इस ट्रॉन को यूज करता हूँ, उसकी वजह ये है कि एथीरियम में आपको काफी ज्यादा फीस पड़ जाती है, जबकि ट्रॉन में आपको कोई फीस नहीं पड़ती। यहां से आप ट्रॉन में ट्रांसफर करते हैं तो जस्ट आपको मैक्सिमम 5 सेंट की फीस पड़ती है, मैक्सिमम 3 से 5 सेंट लगते हैं आपके, मतलब आपके पाकिस्तानी 10 से 15 रुपए सिर्फ, और आपके पैसे विड्रॉ होकर आपके बाइनांस के अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप $5 पर विड्रॉ ले लें तो फिर आप ये यहां से $5 जो है विड्रॉ कर सकते हैं वेब मनी के जरिए से। एक बात याद रखिएगा, पहले वेब मनी जो है वो विड्रॉल हो रहा था, अब आपको एजेंट के थ्रू पेमेंट लेनी पड़ेगी, और उसका डॉलर जो है वेब मनी का वो आपको ऑलमोस्ट 210 रुपए के करीब मिलेगा। मतलब जो आपको उसकी पेमेंट मिलेगी वो 210 के हिसाब से देंगे, क्योंकि इस पर टैक्स ड्यूटियां बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आप लोगों ने पेमेंट मेथड को चूज करते हुए इस बात का ख्याल रखना है ताकि आपको लॉस ना हो। मतलब अगर आप $5 विड्रॉ करवाते हैं तो राउंड अबाउट आपको 1100 रुपया उसका सिर्फ मिलेगा, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत जो है वो 1400 रुपया है, मतलब 300 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। ये करने के बाद यहां पर मैंने अपना पेमेंट मेथड जो है वो यहां पर TRC20 ये कर लिया। उसके बाद आपने बाइनांस पर जाना होता है, बाइनांस पर जाने के बाद आपने वहां पर रसीद पे क्लिक करना होता है। रसीद पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पर अपना एड्रेस लेना होता है रिसीविंग वाला, उस एड्रेस को यहां पर आपने पेस्ट करना होता है और इसको सेव कर देना है।
उससे आपका ये पेमेंट मेथड सेव हो जाएगा और आप उसमें इजीली जैसे ही आपके 100 डॉलर कंप्लीट होंगे आपको हर 2 हफ्ते के बाद विड्रॉल मिलता रहेगा। हम लोग चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट ऐड करवानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ऐड करवाई हुई है ये वाली। आपने यहाँ पर सिंपली अपना ब्लॉगर का अकाउंट ओपन कर लेना है। ये मैंने ब्लॉगर अपना ओपन कर लिया है। अब ये मेरी साइट जो है ये वहां पर ऐड हुई हुई है। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने साइट कैसे ऐड करनी है। आपने साइट ऐड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने सिंपली ये व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग ये में सेम मेन जो है यहाँ पर आ जाएगा। आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है। जब आप इस एड्रेस को कॉपी नहीं करेंगे, किसी और चीज को कॉपी करेंगे, तो फिर वो उसमें ऐड नहीं होगी। इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है एडस्ट्रा के अंदर। एडस्ट्रा में आके वेबसाइट पे क्लिक करना है और ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट वो पेस्ट कर देनी है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसे सोशल चूज कर लेना है। सोशल चूज करने के बाद एरोटिक ऑफ कर देनी है आपने और इसको ऐड करवा देना है। जब ऐड करवा देंगे तो उसके बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, इससे मैंने 2 ऐड भी लगाई हुई हैं। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर ये ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। ऐड यूनिट पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी सारी ऐड जो हैं यहाँ पर इस वेबसाइट में भी वन बाय वन ऐड करनी है। लेकिन आपने सबसे पहले बड़ी ऐड, उसके बाद छोटी ऐड, उसके बाद उससे छोटी ऐड, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, मैंने सोशल पर ऐड किया, इसके अंदर बैनर ऐड किया है, उसके बाद ये बैनर 728 वाला मैंने इसमें ऐड किया है, इसके बाद मैं ये बैनर 480 वाली कर लूं, बेशक बेशक पॉप अंडर कर लूं, मेरी मर्जी है। मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूं। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, कतई ये 1 से 3 मिनट का वेट करें, आपकी वहां पर ऐड उसके अंदर लग जाएगी। गॉट इट? मैं यहाँ पर वेट करूंगा। आपके सामने ये देखें, यहाँ पर 3 ऐड शो हो रही हैं, लेकिन ये 7 ऐड यूनिट वाली ऑप्शन डिम नजर आ रही है। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपकी यहाँ पर तीसरी ऐड भी लग चुकी होगी। फिलहाल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो 2 ऐड होंगी, तीसरी पेंडिंग में जा रही है, देखें पॉप अंडर वाली। 2 मिनट के अंदर अंदर ये भी एक्टिव हो जाएगी। अभी 2 मिनट गुजरते हैं तो मैं आपको रिफ्रेश करके एक्टिव करके दिखाता हूँ। जब तक ये ऐड एक्टिव होती है मैं आपको ब्लॉगर पर ले जाता हूँ, वहां पर जाकर बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप आए हैं तो आपका यहाँ पर कोई थीम नहीं लगेगा, इसे क्लोज कर देना है। ये आपका मेन ब्लॉगर है ये वाला, आपने जो मेन पेज है यहाँ पर ब्लॉगर का, यहाँ पर आपने आना है अपनी इस पोस्ट के अंदर और यहाँ पर थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपने अपने इस थीम को कस्टमाइज करना होता है। ठीक है, कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एडिट HTML और उसके बाद रिस्टोर की ऑप्शन होती है। आपने ये रिस्टोर पे क्लिक करना है और यू कैन अपलोड थीम फ्रॉम योर कंप्यूटर, अपलोड पे क्लिक करना है और जो मैंने थीम आपको दिया था आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर तो आपने कोई थीम अपना डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसको कर लें। मैं सपोज यहाँ पर मेरे पास थीम पड़ा हुआ है, मैं आपको वो लगा कर दिखाता हूँ। ये ब्लॉगर थीम पर आया, ये न्यूज पर आया और ये देखें, ये रिस्टोरिंग थीम की ऑप्शन यहाँ सामने शो हो रही है आपको, और ये देखें ये कस्टमाइज। अब ये मेरा थीम यहाँ पर लग चुका हुआ है। ठीक है, अब ये देखें किस तरह से शो हो गया सारा। पहले आपके सामने सिंपल शो हो रहा था, अब ये देखें ये सारा उसका गेटअप, उसका लुक ही चेंज हो चुका हुआ है। तो आप लोगों को मैंने एक वेबसाइट बताई थी थीम्स के लिए, ये मैंने आपको वेबसाइट बताई थी goyabitemplates.com। ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर कैटेगरी के थीम मिल जाएंगे। जो आपके ब्लॉगर की कैटेगरी हो उसी कैटेगरी से मुतलका आपने थीम लगाना है। आपने कोई भी ऐसा वैसा अदर टाइप का थीम नहीं लगाना। अगर आप कॉलम वाइज काम करना चाहते हैं तो आपने यहाँ बाय कॉलम पे क्लिक करना है और ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम थीम आपके सामने आ जाएगा। मतलब बाय स्टाइल, ये स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आ जाएगा सिंपल क्लीन, किस तरह का चाहिए आपको थीम। और यहाँ पर मोस्टली थीम बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। जो चीजें मेन मेन थी मैंने आपको बता दी हैं, ये यहाँ पर देखें, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये पेंडिंग में था, ये तीसरी ऐड भी हमारी यहाँ पर लग चुकी होगी और उसके बाद यहाँ पर ऐड यूनिट की ऑप्शन आ गई होगी। ये देखें 3 आ गई हैं और ये ऐड यूनिट की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये हमारे पास
ये तीनों एक्टिव हो चुकी हुई हैं। ऐसे ही आपने वन बाय वन सारी की सारी ऐड यहाँ पर भी लगा लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनको ब्लॉग के अंदर बनाकर लगाना सिखाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग गूगल साइट पर भी काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कल हमारा लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। परसों इस वीडियो का अगला पार्ट लेके, मतलब वीडियो नंबर 3 लेके आप सामने हाज़र होंगे। जहाँ पर प्रॉब्लम हो कमेंट कर दें, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।